हम निकल चुके हैं एक ड्राइव पे, जा रहे हैं हम लच्छीवाला। तो बचपन की कुछ यादें थी बहुत सालों पुरानी, तो आज उसी को दोबारा से जीने के लिए जा रहे हैं हम लोग। सुना है काफ़ी चेंज हुआ है, तो हमारे साथ है एक नया गेस्ट जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य। तो आज हम इसके लिए जा रहे हैं, बेसिकली हम खुद घूमने जा रहे हैं, बच्चे का सिर्फ नाम लगाया जा रहा है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो हम फाइनली लच्छीवाला पहुंच चुके हैं। बहुत सालों के बाद आज मैं लच्छीवाला आ रहा हूं, तो एकदम से ना बचपन की यादें जो होती है वो ताज़ा हो गई। मास्क यार इसलिए उतार नहीं सकते बिकॉज थोड़ा कोविड के केसेस ज़्यादा है एंड तो फाइनली हम लच्छीवाला एंटर हो चुके हैं, हमने अपनी टिकट्स ले ली हैं। लच्छीवाला एंटर होते ही वो पुराने दिन याद आ गए जब हम हर समर वेकेशन में यहाँ आते थे एंड काफ़ी इन्जॉय करते थे। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि उस टाइम पे हमारी फेवरेट पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। यहाँ आना हमारे लिए किसी वाटर पार्क से कम नहीं था। एक चीज़ तो है, सिटी की लाइफ से जब आप जंगल में आते हैं ना, तो जो खामोशी और शांति का एहसास होता है उसको बयां कर पाना बहुत टफ है। एक टाइम था जब देहरादून में हर जगह बहुत पेड़ थे, बट बढ़ती पॉपुलेशन के साथ पेड़ कम होते जा रहे हैं और बहुत कम ऐसी जगह बची है जहाँ पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ये जगह देख के ना काफ़ी आँखों को सुकून मिल रहा था, कुछ लग रहा था यार कुछ पुराना देहरादून जैसा है। तो हम फाइनली लच्छीवाला पहुँच चुके हैं, जो मेन पिकनिक स्पॉट है उसके पास में। तो ये मुझे याद है जो ये ब्रिज था एक टाइम पे बहुत सालों पहले जब मैं बहुत छोटा था, तो लकड़ी का हुआ करता था, उसके बाद इसे पक्का कर दिया गया था। और ये लेफ्ट साइड में पार्किंग है, यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क। ये है मेन एंट्रेंस, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है अभी इसको। हाल ही में लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च करा है इस पे, डिपार्टमेंट ने, एंड बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम क्लीन है। ये थोड़ा आर्टिफिशियल सा बनाया हुआ बट बहुत अच्छा लग रहा दूर से। छोटे छोटे शेक्स बनाए गए हैं बट यहाँ पे खाना मत खाना बिकॉज यहाँ बंदर काफी बंदर है। यहाँ पे पेड़ वगैरह देखेंगे, ग्रीन कवर काफी अच्छा है, उसको एज इट इज मेंटेन किया गया है, कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, तो ये चीज काफी अच्छी है इस जगह में। यहाँ पे एक राइट साइड में एक फाउंटेन भी है, अभी वो फाउंटेन आएगा, काफी अच्छा था। वहाँ पे टाइम नहीं लगा जाने का बट वो अच्छा था, काफी दूर से देखा हम लोगों ने, मजा आ रहा था देख के। आपके बगल में एक ना एक म्यूजियम है राइट साइड में, यहाँ पे गवर्नमेंट हेरिटेज जो भी उत्तराखंड के हेरिटेज से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए काफी अच्छा म्यूजियम बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले उसके बारे में। तो ये जो पाथ बनाए हैं काफी अच्छा है, इसमें बहुत खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, बट लगेगा कि हाँ मैं कहीं अच्छी जगह पे आया हूँ। यहाँ पे ना हम नहाया करते थे एक टाइम पे, इतनी भीड़ होती थी ना यहाँ पे, खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी और
आज जब आए तो पूरा ही खाली था, बट अच्छा था। हेलो पांडा। यहाँ पे मतलब ऐसा रहता था ना कि बस मतलब जिसको जहां जगह मिल जाए वहां पे नहा लो, आपको कहीं पे जगह नहीं मिलती थी। बट यहाँ पे ना अभी बैरिकेडिंग लगा दी गई है एंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि आप वहां पे नहाएंगे नहीं। लक्ष्य ने तो काफी इंजॉय करा वहां पे हमारे साथ, वॉज इन फुल मूड, काफी अच्छा लग रहा था वहां पे। देखो यार मतलब हम लोग वहां गंदगी नहीं करे ना तो जगह कितनी अच्छी लग रही है। ये लेफ्ट साइड में जो गार्डन सा बनाया हुआ, इसमें बहुत ही अच्छा, जिसको बॉटनी की नॉलेज होगी ना वो तो मतलब यहाँ के खुश हो जाएगा। काफी ट्रीज को लग रहे होंगे आर्टिफिशियल है बट वो नेचुरल थे एकदम, उसको काफी अच्छे से, उसको ना मतलब कलाकारी होती है एक तरीके से ये चीज, इसको बनाना काफी टफ होता है, बॉन्साई बोलते हैं शायद से इसको, तो वो थे यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज थी ना कि आप ना फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड करेंगे तो सभी अच्छा, सभी खुश रहेंगे यहाँ पे आके, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आके बोर होएगा। मम्मी कैसा लगा आपको है यहाँ के कुछ चेंजेस? ये पुरानी याद ताजा हो रही है, अब काफी सुंदर हो गया, काफी डेवलप हो गया यहाँ की। तुम्हें एडिट कर लेना। लक्षी आहा, मुझे भी करना है वाला, मुझे भी करना है ये वाला। अरे मेरे लक्षी कंट्रोल फ्रंट रोल मार जल्दी, फ्रंट रोल आगे से हट। नहीं गर्दन मत तोड़ना अपनी। सबसे अच्छा ना ये वाला एरिया था बच्चों के लिए, मतलब एकदम झूले मेंटेन थे, ऐसा नहीं कि झूले टूटे हुए हैं, ये फ्री था बच्चों। ये वाला प्लेइंग एरिया यहाँ के चार्जेस है बट बहुत रीजनेबल है यार। एंड मैं तो मतलब ये देख के ना मुझे ऐसा लगता है ना कि बस ये मेरे लिए ही बना है। आर्मी में जाने का शौक था तो वहाँ शौक पूरे नहीं कर पाए, बट यहाँ पे आके ना इन चीज़ों को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो मुझे जब भी कभी मौका मिलता है ना ऐसे उल्टे सीधे काम करने का, मैं उसको ट्राई करना ज़रूर, मतलब बस ये कि मेरे लिए ही है। हेलो। अब हम थक गए हैं, फालतू में इतना बड़ा बैग लेके आए हम, कुछ खा भी नहीं पाए, बंदरों ने बहुत परेशान कर दिया। स्टॉप बोल दे, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। डर लग रहा है। अबे हल्ला कर, चिल्ला, स्टॉप कर दे। हेलो, आज हमें बहुत मजा आया घूमी घूमी करके। हम लच्छी वाला गए थे ना, वहाँ पे हमने बहुत मजा किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ठंड हो गई तो मैंने लक्षु की टोपी पहन ली है, बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत मजा आया आज, हमने भी बहुत एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता बहुत देखने को मिली, बहुत अच्छा था यार वहाँ पे एक्सपीरियंस। तो जो लोग काफी सालों से नहीं गए वहाँ पे उनके लिए काफी अच्छा है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे फैमिली लेके अपने साथ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे खाना मत लेके जाना, नॉट रिकमेंडेबल, बिकॉज काफ़ी वहाँ पे बंदर है जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे और सेफ नहीं है। बाकी वहाँ पे झूले एंड काफ़ी रीजनेबल है, तो जाके ज़रूर होके आना वहाँ पे यार लच्छी वाला, इट्स अ मस्ट गो प्लेस इन देहरादून राइट नाउ। तो प्लीज़ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं आप तो ज़रूर जाइए, आपके बच्चे काफ़ी इन्जॉय करेंगे।